नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। फ्रांस के नीस शहर में आतंकी हमला करने वाले संदिग्ध के बारे में कई चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। संदिग्ध का अब तक किसी आतंकी संगठन से कनेक्शन नहीं मिला है, लेकिन बताया जाता है कि हमले से पहले पुलिस ने उसे रोका था, मगर खुद को आइसक्रीम वाला बताकर वो बच निकला। उसने हमले से ठीक पहले अपने साथी को कहा था कि एक दिन उसका नाम होगा। फ्रांस में हुए आतंकी हमले पर बड़ा खुलासा। हमले से पहले अपने दोस्त से बोला था आतंकी, जल्द उसका नाम सुनेगी दुनिया। नीस पर हुए आतंकी हमले की जिस तस्वीर ने पूरी दुनिया को दहला दिया, उसके हमलावर के बारे में कई चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। नीस में हमला करने वाले 31 साल के ट्यूनिशियाई फ्रेंच नागरिक मोहम्मद लहुएज बुहेल के एक ट्यूनिशियाई पड़ोसी का दावा है कि उसने हमले से पहले ही इसका संकेत दे दिया था, लेकिन इस संकेत को वो समझ नहीं पाया। विषम नाम के इस शख्स ने एक अखबार को बताया। गुरुवार रात वो अपने एक साथी के साथ शराब पी रहा था। पीने के दौरान किसी बात पर बहस हो गई। उसके दोस्त ने कहा कि तुम किसी काम के नहीं हो। इस पर उसने पलट कर कहा कि एक दिन तुम मेरे बारे में सुनोगे। बुहेल इस तरह नाम कमाएगा, अगर उसका दोस्त उसके संकेत को समझ पाता तो शायद इस कत्लेआम को रोका जा सकता था। बुहेल के दोस्त को उसके इरादों पर धोखा नहीं हुआ, फ्रेंच पुलिस भी धोखा खा गई। बताया जाता है कि नीस में हमले से कुछ घंटे पहले पुलिस ने उसे कातिल ट्रक के साथ रोका था, लेकिन पुलिस अफसरों को वो ये कहकर झांसा देने में कामयाब हो गया कि वो इलाके में आइसक्रीम डिलीवर करने निकला है। पुलिस ने उसकी बातों पर भरोसा कर लिया और वहां ट्रक पार्क करने की इजाजत दे दी। पुलिस की यह गलती कितनी भारी पड़ी वो इन तस्वीरों में नजर आ रही है। पेशे से शॉपर और डिलीवरी मैन बुहेल को लेकर कई चौंकाने वाली जानकारी सामने आ रही है। उसके एक रिश्तेदार के मुताबिक वो कभी मस्जिद नहीं गया, वो अपनी बीवी को पीटता था, वो शराब भी पीता था और ड्रग्स भी लेता था। उसके इन्हीं आदतों से 2 साल पहले बीवी से उसका अलगाव हो गया था, हालांकि अभी दोनों का तलाक नहीं हुआ है। जुगल पुरोहित, नीस, फ्रांस, आज तक।